पहले तो मैं इस बात को बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हम टीचर्स आए हुए हैं उनका बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि हम क्लासेस का बायकॉट स्टूडेंट्स से हानि होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर आगे लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स का फ़ायदा लेकर ही यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि जो 200 रोस्टर सिस्टम पहले था, अब जब 30 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाया गया है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इससे सीधा सीधा जो SC ST और OBC जो टीचर्स हैं उनका हित तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले कॉलेज को एक यूनिट मान के रिजर्वेशन दिया जाता था और अब डिपार्टमेंट को एक यूनिट मान करके रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लास्ट की सीटें हैं उसमें मोस्टली जो है OBC जो है वो अब आगे अपॉइंटमेंट नहीं होने वाले होंगे। तो जब हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो फिर हम बच्चों के हित के बारे में कैसे बात करेंगे? टीचर्स अपने हित के बारे में बात क्लियर है कि हम यहाँ पर क्लास को बंक नहीं करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स का हित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में टीचर्स और स्टूडेंट्स का फायदा देख कर ही हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, आपने कहा कि हम स्टूडेंट का नुकसान करना नहीं चाहते हैं और जब भी ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाई जाती है, तो उनकी फोटो लगाने का क्या तात्पर्य है कि जो इस तरीके से जो भी मांग होती है जो दलित समाज है बहुजन समाज है उनको सबसे आगे लेके चलता है? बाबा साहब की और फूले साहब की, सावित्री बाई फूले की जो फोटो लगाने का जो तात्पर्य है वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल फोर्सेस हैं, पूरे समाज के लिए एक मोटिवेशनल फोर्सेस हैं। और बाबा साहब तो एक ऐसा आइकन है जिन्होंने संविधान जो है हमें दिया, हमारे SC ST OBC बल्कि पूरे भारत को दिया, जिसको लेकर के हम अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो मनुस्मृति है या जो ब्राह्मणवादी जो मेनू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें आप देखो तो उसमें एक कहावत है कि ढोल पशु गवार शूद्र नारी, ये सब जब पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। तो जो संविधान है भारत का संविधान वो हमारा एक मूल इस मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसको हम आगे लेके रख सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ना तो शूद्र को छोटा माना गया है, ना ही ब्राह्मण को बड़ा कहा गया है, और ना ही महिलाओं की स्थिति को दोयम दर्जे का माना गया है। उसमें सारे जो व्यक्ति हैं जो सिटीजन हैं वो सब एक समान माने गए हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा जी, अभी संसद के अंदर एक आनंद कुमार हेगड़े जी हैं, वो कह रहे थे कि भाई हम तो संविधान को चेंज करने आए हैं और हम संविधान को चेंज करके रहेंगे। यही तो समझने वाली बात है कि संविधान को चेंज किस मोटिव से करना चाहते हैं, वो उनका पर्पस क्या है? क्योंकि अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जो अनंत कुमार जी के अनंत जौहरी जी जो JNU में जो गिरफ्तार होने से पहले ही उनकी बेल हो गई, तो SC ST जो हमारा एक टूल है, इक्विपमेंट है, जिसके आधार पर हम अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और जिसमें बिना को कैसे बेल दे सकते हो, ये तो उस जो SC ST जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ही ये लिखा हुआ है कि पहले शिकायत होगी तो आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो शुरू होगी। लेकिन बिना गिरफ्तारी के आप पहले ही बेल दे रहे हैं तो ये तो बहुत खतरनाक है। तो इस तरह का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जाएंगे, इस तरह के प्रोविजन होंगे तो वाकई में बहुत खतरनाक है। तो इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे। जब आप न्याय की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज ने ये बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है, तो जमानत देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेल देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र खतरे में ना होता तो आप यहाँ इस टाइप पे नहीं होते। बिल्कुल सर, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। लोकतंत्र खतरे का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी ने उसको हाईजेक कर लिया या उसको पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन जो ब्राह्मणवादी जो ताकते हैं, जो अपर कास्ट की जो ताकते हैं, और सिर्फ कास्ट वाइज नहीं, ऐसे लोगों का जो माइंड सेट है कि जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, स्कूल में हो, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देना है। क्योंकि अभी जो कुछ टर्म जो है यूज़ करी जाती थी कि नॉट फाउंड सुइटेबल कैंडिडेट, तो क्या इतने एडहॉक्स और जो परमानेंट टीचर्स के जो इंटरव्यू होते हैं तो उसमें नॉट फाउंड सुइटेबल कैंडिडेट का क्या मतलब है? दिस इज़ फॉर ओनली द SC ST टीचर्स, नॉट फॉर द जनरल कैटेगरी। सो ये बहुत सोचने वाली बात है कि डेमोक्रेसी खतरे में किस तरह से है और वो खतरा किन ताकतों से है और किसके खिलाफ ये खतरा है। जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वही बेटी, आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की पत्नी हैं, आप भी किसी की माँ हैं, लेकिन ये कहाँ तक नारा ये मोदी जी का सिद्ध हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन बेटी आज दिल्ली के अंदर सुरक्षित है या नहीं है? जो मोदी सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये
70 साल हो गए हमारे संविधान को बने हुए, तब सरकार को ये होश आ रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, क्योंकि ये जुमला अपने आप में ही ये क्लियर कर देता है कि हमारे देश में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। कहीं पर रेप हो रहे हैं, कभी किडनैप हो रहे हैं, कभी किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, डाउरी के केसेज हो रहा है, कितनी बेटियाँ हैं जो जला दी जाती हैं। लेकिन अभी आप एक ने एक चीज़ देखी होगी कि जो सोशल मीडिया है, जो बहुत बड़ा एक हथियार बन गया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उसमें इतनी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें दलित बेटियों का रेप हो गया, उनको जला दिया जिंदा पेट्रोल डाल करके, उस पर कितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपर कास्ट की बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो सारे जो ताकतें हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं, लेकिन किसी एक दलित बेटी के लिए या दलित कास्ट की बेटी के लिए क्यों नहीं बाहर वो ताकतें आती हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत ज़रूरी है और इसको आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन ये सोच करके कि किसके लिए। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं उसी जुमले के आगे की हम बात कर रहे हैं कि बेटी बचेगी पढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर हैं और अपने अधिकारों की जो डिमांड है वो इस बैनर के तले कर रहे हैं। मोदी जी ने ये भी बोला था कि मैडम कि ये पकोड़ा बनाओ, पकोड़ा तल के बेचो, क्या पढ़े क्या जो है, ये भी एक व्यवसाय, ये भी एक बिजनेस है। क्या ये जो पीएचडी होल्डर है या एमफिल होल्डर है या मतलब एमटेक है बीटेक है, इनको पकोड़ा बनाना कौन सिखाए, कैसे बिजनेस चलेगा इनका और चलेगा इनकी दुकानें कहाँ होंगी? तो अभी ये तो मोदी सरकार ही बता सकती है कि कहाँ पे पकोड़ा तलें और कहाँ पर बनाएं और कहाँ पर बेचें, क्योंकि ये जुमले आजकल बड़े फेमस हो गए कि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया या पकोड़े तलने वाला अब पार्लियामेंट के आगे जाके बात करेगा। तो ये तो आप प्रधानमंत्री ही ये बताएं, ये मोदी सरकार ही बताएं कि अब हम क्या करें, पढ़ाएं या फिर पकोड़ा तलें।